सो हेलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश है और आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं एक अनबॉक्सिंग एक ऐसे फ़ोन की जो कि एक आईफोन है, लेकिन एक रियल आईफोन नहीं है बल्कि एक फेक क्लोन आईफोन 11 की हम आज करेंगे अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि क्या इस चाइनीज़ क्लोन को यूज़ करने जैसा है कि नहीं। तो बिना कुछ कहे डायरेक्ट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये रहा हमारे पास iPhone 11 का बॉक्स जैसे आप देख सकते हैं, और ये रहा हमारे सामने। सबसे पहले अगर हम उसके बॉक्स के ऊपर आते हैं तो सामने में मिलता है iPhone 11 का एक पिक्चर बनी हुई जो कि कुछ इसकी फीलिंग विलिंग नहीं है, बिल्कुल फेडेड सा है और आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऑफ कलर भी आपको ज़रूर ये लग रहा होगा। और इसके साइड पर अगर हम आते हैं तो इसके सामने हमें मिलता है iPhone का लिखा हुआ जो कि गोल्डन कलर में लिखा हुआ है, जो कि रियल बॉक्स पर गोल्डन पर नहीं लिखा हुआ था। और ये आप देख सकते हैं कि ये इसका एक थोड़ा कलर फेडेड भी है, लेकिन और ये रहा इसके ऊपर आईफोन का एक लोगो जो कि ऑल्सो एक गोल्डन कलर में है, और ये साइड भी आईफोन। और अगर हम इसकी बैक साइड पे आते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है 512 GB और इंक्लूड्स 11 आईफोन 11 प्रो मैक्स का बॉक्स है भाई ये। तो ये भी चाइना ने ये भी देख के नहीं भेजा कि 11 प्रो है या 11 प्रो मैक्स है। तो एयरपोर्ट विद लाइटनिंग कनेक्टर, लाइटनिंग टू USB और जो दूसरी चीज़ें हैं आप इसमें है भी नहीं है, मुझे ये नहीं पता। और ये रहा इसके नीचे कुछ बार कोड जो कि सब फेक्स हैं और डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल इन चाइना। असेंबल इन चाइना ही सही है, कैलिफोर्निया गलत है। तो चले हमें इसके बॉक्स को तो कुछ इसका कुछ करना नहीं है, लेकिन आप चलते हैं इसके डायरेक्ट अंदर फ़ोन के। तो जैसे हम इसके बॉक्स ओपन करते हैं तो ये भी आसानी से पहली बार चाइना का बॉक्स इतना आसानी से ओपन हुआ है। तो ये हमें सामने मिलता है कुछ एक छोटा सा कंपार्टमेंट जिसमें हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, क्यों पता नहीं, आई डोंट नो, खाली है। और ये रहा हमारे पास एक प्लास्टिक में रैप हुआ हुआ आईफोन। ओ भाई ये तो बड़ा अच्छा आईफोन है भाई। ये रहा हमारे पास आईफोन और इसको हम स्विच ऑन कर देते हैं। और हाँ बैटरी है भाई, बैटरी है। इसको साइड रख देते तक हम इसके देखते हैं इसके एसेसरीज को। और एसेसरीज में हमें सामने मिलता है क्या, एक लाइटनिंग केबल टाइप A2 लाइटनिंग केबल हमें इसकी USB मिलती है जिससे आप आसानी से इसको चार्ज सकते हैं, पुरानी सी लाइटनिंग केबल। और ये रही हमारे पास इसके अंदर कुछ हेडफोन और अडेप्टर। वाह भाई, जो आजकल के आईफोन में बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा, तो ये बड़ी एक नेमत चीज़ है हमारे लिए। तो ये रहा हमारे पास फोन, आखिरकार ये ऑन हो चुका है। और ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एज टू एज स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, और ये आपके सामने है ये पूरा स्मूथ आईफोन 11 होगा। ये एंड्रॉयड, लेकिन इसकी एक स्क्रीन लगी हुई है। हम जैसे जाते हैं इसके सेटिंग्स में, ये देख सकते हैं कि ये फुल जैसे आईफोन 11 जैसे बेजल है, थोड़ा सा यहाँ से चिन्ह है लेकिन है बिल्कुल एज टू एज। अगर हम इसके अबाउट सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं, जनरल के अंदर जाके अबाउट में जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है मॉडल वर्जन 13.5। आईफोन 13 चल रहा है तो और क्या चाहिए आपको, होगा एंड्रॉयड ज़रूर, लेकिन ये चल रहा है iOS की स्क्रीन के ऊपर, लेकिन है बिल्कुल स्मूथ। अगर आप इसके अंदर है 2 GB ओनली, तो अगर 2 GB में चलाते हैं तो ये थोड़ा सा लैग करेगा, लेकिन इतना नहीं लैग करेगा। लेकिन अभी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, तो चलिए अब इसके डायरेक्ट चलते हैं फीचर्स के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम इस फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो हमें मिलता है 6.1 इंचेस की फुल टच LED डिस्प्ले। और अगर हम उसके ऊपर बिल्कुल आते हैं तो उसका जो एक छोटा सा नॉच भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आईफोन 11 जैसा फुल H2H स्क्रीन है, बस नीचे से थोड़ी सी इसकी ज़्यादा चिन्ह है, लेकिन दूर से दिखने में ये एग्जैक्टली आईफोन 11 जैसा लगेगा। और फिर अगर हम इसके बैग के ऊपर आते हैं तो बैग पे हमें मिलते हैं एक फुल ग्लास इसका बैग, जिसके ऊपर एक छोटा सा आईफोन का लोगो बना हुआ है जो कि ज़्यादातर शो ऑफ के लिए ही काम आता है। और अगर हम इसकी फिर बात करते हैं कैमरास की, तो इसके ऊपर कैमरा आता है 8+2 MP का, मतलब पीछे 8 MP का होगा और फ्रंट पे 2 MP का कैमरा होगा। इसके कैमरा इतने कुछ खास नहीं, लेकिन एग्जैक्टली आईफोन 11 जैसा शो बिल्कुल देता है। और कैमरे के पार्ट में हमें मिलता है एक टॉर्च जो कि एक बड़ी पावरफुल टॉर्च है, और उसके ऊपर ही हमें मिलता है एक माइक्रोफोन सेंसर जो कि बात करते वक्त ज़रूर आपको सामने वाले के क्लियर आवाज़ ज़रूर पहुँचाएगा। और अब अगर हम इसके साइड के ऊपर आते हैं तो एक साइड पे हमें मिलता है एक पावर बटन एग्जैक्टली आईफोन 11 जैसा बड़ा सा, और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव पावर बटन है।
और इसकी दूसरी साइड में मिलता है एक वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का बटन, जिसके से आप वॉल्यूम अप और डाउन आसानी से कर सकते हैं। और इसी के ऊपर में मिलता है एक डायरेक्ट साइलेंट करने का बटन, जिसको एक स्विच से आप आसानी से अपने पूरे फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट मोड पर कर सकते हैं और एक ही स्विच से फुल ऑन मोड भी कर सकते हैं। और अगर हम इसके बॉटम के ऊपर आते हैं तो बॉटम पे हमें मिलता है एक लाइटनिंग पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, जिसके राह से आप इसको कोई सी भी लाइटनिंग अडेप्टर या लाइटनिंग केबल से आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और इसके बराबर में हमें मिलते हैं दो आईफोन से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साउंड ग्रिल, जिसमें से आप आसानी से एग्जैक्टली आईफोन जैसे नहीं बल्कि एक क्लियर क्रिस्प एक अच्छी आवाज़ आप सुन पाएंगे। और ये वेरिएंट हमें मिलता है 2GB 16GB स्टोरेज के साथ, मतलब 2GB एक फ़ोन के लिए बहुत ही कम है लेकिन नॉर्मल यूज़र के लिए एक फ़ाइन बात है, और 16GB भी एक फ़ाइन यूज़र के लिए बिल्कुल ही फ़ाइन स्टोरेज है। और ये मोबाइल फुल PTA अप्रूव्ड है, मतलब आप इसके अंदर कोई सी भी पाकिस्तानी सिम चला सकते हैं। और इसके अंदर आप एक सिम के साथ एक एक्सटर्नल SD कार्ड भी इंक्लूड कर सकते हैं स्टोरेज बढ़ाने के लिए। और अब अगर हम इसके टच की बात करते हैं, इसका टच इसका बहुत ही रिस्पॉन्सिव और अच्छा है, थोड़ा सा 2GB के हिसाब से थोड़ा सा लैग करता है अगर आप इसके ऊपर भारी ऐप चलाएं, लेकिन एज आ एक नॉर्मल यूज़र ये बिल्कुल ही स्मूथ और बड़ी फाइन कंडीशन से चलेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर ये फ़ोन किसी को चाहिए हो तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके खरीद सकते हैं और बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। आजकल अगर आप खरीदेंगे तो आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा horace.pk से। और ये मैं अगर इसकी फाइनल ओपिनियन दूँ तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको एप्पल के शौकीन है या जो एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनको शो ऑफ करना है वो ये ज़रूर खरीदे, या उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ एक व्हाट्सएप या कॉलिंग के लिए एक फ़ोन चाहिए और वो भी सस्ता सा। तो इसमें WhatsApp और कॉलिंग आराम से हो जाएगी, लेकिन इसका कैमरा थोड़ा सा आजकल के लिए आउटडेटेड है क्योंकि इसका कैमरा बहुत ही कम है, लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए और एक आईफोन लवर के लिए इसको सिर्फ दिखावा करना है या किसी को शो ऑफ करना है तो वो ये ले सकता है। और मेरे हिसाब से अगर हम इसकी बात करें एक सेकेंडरी फ़ोन, तो एक एज अ सेकेंडरी फ़ोन आप कराची में लेके आराम से इसको घूम सकते हैं क्योंकि सस्ता है, और अगर चोरी भी हो जाए तो मसला नहीं हो। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।